सोलन नगर परिषद के रोस्टर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि रोस्टर जारी करते हुए चुने हुए नगर परिषद पार्षदों और मनोनीत पार्षदों को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके चलते नगर परिषद दो गुटों में बटी नजर आई, जिसमें एक तरफ नगर परिषद अध्यक्ष पूर्व पार्षद कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी रह चुके राजेश कश्यप और दूसरी तरफ पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता और उनके साथ आए 7 पार्षद आमने सामने नजर आए। मीडिया के समक्ष पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के नगर परिषद अध्यक्ष के कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 2015 में उन्हें नगर परिषद अध्यक्ष के पद से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उतार दिया था, जिसका खामियाजा अभी तक सोलन की जनता भुगत रही है और शहर का विकास पूरी तरह ठप हो चुका है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने मीडिया के सामने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें जिला प्रशासन द्वारा ये सूचित नहीं किया गया था कि नगर परिषद की रोस्टर जारी किया जाना है और जब उन्हें पता चला तो वह अपने पार्षदों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने उन्हें आश्वासित किया कि रोस्टर की कार्यवाही उनके समक्ष की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस रोस्टर कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया, जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल हुए लोगों को भाजपा की बी टीम की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि ये टीम षड्यंत्रियों की टीम है जो कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को हानि पहुंचाने का कार्य कर रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं की और पार्षदों की सरेआम अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सोलन शहर का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है और केवल हितों को साधने की राजनीति नगर में चल रही है। आज नगर परिषद के जो वार्ड है उनके रिजर्वेशन का रोस्टर आज यहाँ प्रशासन द्वारा किया जाना था और हमें कल रात को लेट पता लगा भी ऐसा कोई रोस्टर कल लागू किया जाएगा, परंतु हैरानी की बात है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए जो 3 लोग बुलाए गए वो तीनों लोग, 2 लोग हमें बताया कि बीजेपी के हैं और 1 कांग्रेस का, पर हमारे अनुसार या तो वो बीजेपी है टोटल या कांग्रेस बीजेपी टोटल है, क्योंकि वो लोग आपस में हर रोज शाम को बैठ के रणनीतियाँ बनाते हैं और किसको उखाड़ना है, किसको लगाना है, किसको बैठाना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, वो सारी नीतियाँ वो शाम को बैठ के करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके नगर परिषद में एक खेल खेला था, वही टीम आज बैठी है अंदर पर्चियाँ डालने के लिए, जिन्होंने मुझे नगर परिषद चेयरमैन से उतारने के लिए कांग्रेस बीजेपी 1 कर दी, 3 पार्षद कांग्रेस के 7 पार्षद बीजेपी के मिला के नगर परिषद अध्यक्ष से मुझे उतारा था, जिसके लिए मुझे अफसोस यह है कि मैं तो उतर गया परंतु जिसको बिठाया था उसने नगर परिषद के बीच में जितने भी जब भी देखो कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा, कोई ना कोई और मुद्दे जो यहाँ आते रहे, जिसको लेकर हमें बड़ी हैरानी होती है कि नगर परिषद में बीजेपी के 11 इलेक्टेड और 4 नॉमिनेटेड पार्षद होने के बाद कांग्रेस के लोगों को लेकर नगर परिषद को चलाने का क्या औचित्य है, और कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें क्या दिक्कत है, हमारी सरकार है या नहीं है, यहाँ तो हमारी सरकार चल रही है, हमारे कहने से सारे काम हो रहे हैं, हमारे कहने से सब कुछ हो रहा है। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी अजीब सी हालत है कि सोलन नगर की जो जनता है उसको पीसा जा रहा है और इनके जो नगर परिषद अध्यक्ष हैं और इनकी जो टीम है जो जिनको हम बी टीम बोलते हैं उनके द्वारा नगर परिषद नगर का जो विकास है वो भी रुका है। डीसी का आश्वासन आपको मिला था तभी उसके बाद? हाँ, डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे कहा था कि अभी हम 2 लोगों को अंदर जरूर बुलाएंगे, एक मुझे और एक कांग्रेस के जो सिटी अध्यक्ष हैं उनको बोला है उन्होंने, पर बाद में पता नहीं मुझे अंदर क्या बात हुई है तो उन्होंने मुझे नहीं, मैंने 2 बार कोशिश की मिलने की तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी आप अंदर नहीं आ सकते। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे को मैं इस नगर परिषद में चेयरमैन भी रहा हूँ, वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, पार्षद भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ, अगर कोई चीज़ करनी भी है तो हम पहले भी करते आए हैं, जो रोस्टर पहले भी होता रहा है और रोस्टर जब भी होता है तो ओपन होता है, ना कि इस तरीके से चुपचाप रोस्टर को कभी भी लागू नहीं किया जाता। अगर करना है जो लोग इस मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है पर जिन लोगों का मन है चुनाव लड़ने का वो लोग कम से कम सामने उनके होता तो उनको शांति होती है।